देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। चंडीगढ़ च दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार नूं रात 10 बजे ये जड़ा वीकेंड लॉकडाउन शहर दे विच लगाया गया सीगा ते अज शनिवार ते रविवार दोनों दिन जड़ा है वह शहर दे विच वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शहर दे विच काफ़ी सारी चीज़ों के उत्ते पाबंदियां लगाई गई हैं। शहर के सारे मॉल दुकाना ते दफ्तर वगैरह सब बंद कर दिते गए ने। असी इस वेले मौजूद हाँ चंडीगढ़ के सब तो मशहूर जड़े लांते मॉल के ठीक बार ये भी जड़ा इस लॉकडाउन के कारण इस मॉल नूं भी बंद कर दिता गया। तस्वीर तुसी वेख सकते हो कि जिथे हर वेले काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहिंदी सीगी ते खास तौर पर वीकेंड्स से इत्थे काफ़ी रश रहिंदा सीगा अज पूरी तरीके नाल सुनसान होया पिया क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन वालों शहर के जड़ा अज तो वीकेंड लॉकडाउन लगा दिता है। तो अज शहर की ज़्यादातर जी मार्केट्स हैगी है सड़क हैगी है वह सूनिया हो गई हैं। हालांकि सड़कों के उत्ते आवाजाही जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि उससे किसी तरीके की कोई रोक टोक प्रशासन वालों फिलहाल नहीं लगाई गई है। तो ये नाल होर काफ़ी सारी जी पाबंदियाँ अज शहर के अज इंपोज की गई हैं। तस्वीर तुम वेख सकते हो अलांते मॉल की तस्वीर है। तुहानू अस इस रिपोर्ट के माध्यम राही अज शहर के वक्रे वक्रे मार्केट्स का नज़ारा असं दिखावे वक्रे वक्रे तस्वीर असं तुम्हें दिखावे कि शहर के अज इस लॉकडाउन के कारण कितने कितने असर पिया है किड़े किड़े जोड़े लोग है उन्होंने काम के उत्तर असर पिया है। ये तस्वीर तुम वेखो कि सब कुछ जोड़ा सुनसान हो पाया सारी मार्केट्स बंद है। एलांते मॉल इंडस्ट्री एरिया फेस एक दे विच पैंदा है ते आस पास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैगी है जड़े गड्डिया दे शोरूम हैगे हैं या सर्विस सेंटर्स हैगे है सब कुछ जड़ा वो बंद कर दिता गया है। सिर्फ तो सिर्फ असेंशियल सर्विसिज नूं ही अज जड़ा वह अलाउड किया गया है। तस्वीर तुसीं वेखो कि ये एलांते मॉल के बाहर की तस्वीर है। आओ तुहानू लै चलते हैं शहर के होर इलाकों के विच ते तुहानू दिखाने हैं एक खास रिपोर्ट कि किवें अज शहर के विच एक साल पहले जिस तरीके लॉकडाउन लगाया गया सीगा ते उस तो बाद एक साल बाद फिर उस तरीके के जड़े हालात बने हैं ते शहर के विच की नज़ारा है। आओ तुहानू लै चलते हैं तो दिखाने हैं शहर की वक्री वक्री मार्केट्स का हाल वक्री वक्री सड़कों का हाल। पहुँच गया चंडीगढ़ सैक्टर 28 की मार्केट के विच जिथे तुसी वेख सकते हो कि ये मोटर मार्केट है चंडीगढ़ सैक्टर 28 की। इत्थे भी जड़ा आज जड़ा लॉकडाउन की वजह नाल पूरा जड़ा आज बंद होया पै। तस्वीर तुसी देखो कि कोई भी जड़ी मार्केट है वह खुली नहीं है। ये चंडीगढ़ सैक्टर 28 की तस्वीर है
शहर दे विच जिहड़ा लॉकडाउन लगाया गया उहदा पूरा जिहड़ा असर है उह शहर दी मार्केट्स दे उत्ते पूरी तरीके नाल नज़र आ रहा है। ते जिस तरीके दे हालात पिछले दिनां च चंडीगढ़ दे विच बने सीगे, जिहड़ा यूके स्ट्रेन जिहड़ा आया हैगा, पीजीआई दी जिहड़ी रिपोर्ट आई है उहदे मुताबक उस तों बाद इक वड्डा फैसला जिहड़ा प्रशासन वल्लों लिता गया कि शहर दे विच जिहड़ा जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि आम लोग काफ़ी परेशान जरूर होंगे, लेकिन जिस तरीके नाल ये स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी नाल वध रहा उसनू देखते हुए वड्डा फैसला प्रशासन वालों लिता गया है। तो ये एहतियातन कदम जिहड़ा चक्या गया है कि जिहड़ा वीकेंड दे दौरान चंडीगढ़ दी सड़कां ते काफ़ी रश हुंदा है, दुकानां ते काफ़ी रश हुंदा है, क्योंकि छुट्टी दा दिन हुंदे है ते छुट्टी दे दिन च लोकां दी भीड़ नू कंट्रोल करन लई ये फैसला लिता गया है। ते ये शहर दी वक्खरी वक्खरी मार्केट्स दा हाल असीं तुहानू विखा रहे हैं कि किवें लॉकडाउन दे दौरान जिहड़ा पूरा जिहड़ा रस्ता जिहड़ा उह बंद कीता गया। तस्वीरां सैक्टर 28 चंडीगढ़ दी हैगी है। ये तस्वीरां तुसीं वेखो, ये चंडीगढ़ दा फेमस पाल ढाबा, यानी कि शहर दे विच अगर कोई नॉन वेज दा कोई चाह वाह आंदा है तो वह पाल ढाबा सैक्टर 28 ते जरूर आंदा है। तो ये तस्वीरां तुसीं वेखो कि पूरी तरीके नाल ये भी अज बंद हैगा सुनना पिया। हालांकि रेस्टोरेंट्स ढाबे वगैरह नू बंद नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी जिहड़ी इत्थे देन दा जिहड़ा गल कीती गई सी। सड़कां ते अगर आवाजाई दी गल करिए, फिलहाल सड़कां ते किसी तरीके दी आवाजाई दे उत्ते तां कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर भी जिहड़ा लोकां वालों काफ़ी अज इस लॉकडाउन दे दा पूरा समर्थन किया जा रहा है। तो काफ़ी घट जिहड़ी गड्डियां वाहन है वो जिहड़ा सड़कां ते नज़र आ रहे ने। अमूमन इस टाइम ते काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि पीक टाइम जिसनों कहते हैं कि ये शहर की जिहड़ी इंटरनल रोड्स का जिहड़ा पीक टाइम होंदा है, तो इस दौरान सड़कां ते काफ़ी रश देखने को मिलता है। लेकिन अज जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया उसका काफ़ी ज़्यादा असर है वो देखने को मिल रहा है। हालाँकि कई ऐसे दे जिहड़े लोग हैगे जिहड़े सिर्फ घूमन फिरन लई हले भी बाहर निकले ने, इसी नूं कंट्रोल करन लई चंडीगढ़ प्रशासन वालों एक वड्डा कदम चकना पिया, वड्डा स्टैप लेना पिया। तो वीकेंड लॉकडाउन शहर दे विच जिहड़ा इंपोज किया गया, शुक्रवार ते शनिवार जिहड़ा शनिवार ते रविवार का जिहड़ा लॉकडाउन हैगा वो शहर दे विच इंपोज किया गया, तो जिस दे विच काफ़ी सारी जिहड़ी रिस्ट्रिक्शनस वो लगाई गई हैं। इस तो अलावा जिहड़े वीकेंड लॉकडाउन तो बाद भी कुछ काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शनस इस तरह की है जिहड़ी लगाई गई है, जिवें कि शहर के सारे मॉल स्पा सेंटर ते जिहड़े जिमनेजियम हॉल वगैरह हैगे जिम वगैरह है वो 30 अप्रैल तक है जिहड़े वो बंद कर दिते गए ने। इस तो अलावा जिहड़े सरकारी दफ्तर दे विच जिहड़ा 50% स्टाफ दे नाल कामकाज किया जाएगा। मैं अपने दर्शकों नूं दसदा असीं हुण आ गए हैं चंडीगढ़ के सैक्टर 27। ये चंडीगढ़ के सैक्टर 27 की मार्केट हैगी, ये भी तुसीं वेख सकते हो कि वीकली वीकेंड लॉकडाउन के कारण ये भी सुनी पई है। तो सड़कों पर जिहड़े इक्का दुक्का जिहड़े लोग है दिख रहे ने, दुकाना हालांकि कुछ खुली हैं क्योंकि जिहड़ी जरूरी असेंशियल्स जिहड़ी समान की दुकान है भावें वो जिहड़ी है वो कैमी शॉप हो या कन्फेक्शनरी शॉप हो, दुध दही का जिथे काम होंदा सब्जी फ्रूट वगैरह की दुकान है वो चल रही हैं, बाकी जिहड़ा सब कुछ जिहड़ा बंद कर दिता गया। तो एक होर तस्वीर तुहानू विखाने, सामने तुसीं ऑटो देख रहे हो, इन्हां दे उत्ते अज काफ़ी ज़्यादा असर देखण नूं पैना है, क्योंकि ये दिहाड़ीदार जिहड़े लोग है जिहड़े कि यात्रियों के कारण अपनी दिहाड़ी चलाते हैं, लेकिन अज सड़कों पर जिवें कि कोई रश नहीं है क्योंकि लोगों नूं बाहर निकलन ते पाबंदी लगाई गई है घर तो, ते उसनूं देखते हुए इन्हां दे काम के उत्ते काफ़ी ज़्यादा असर जिहड़ा वो देखण नूं मिलेगा। ये तस्वीरां तुसीं वेखो, ये सैक्टर 27 की तस्वीर है, तो शहर के वक्रे वक्रे सैक्टर्स का हाल असीं तुहानूं इस रिपोर्ट के माध्यम राही दिखा रहे हैं। तो ये दिखाने की असी साडा दिखाने का मकसद तुहानूं डराउण का नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ एक जागरूकता लियाण लई असीं ये तुहानूं एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इस जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया इस वीकेंड लॉकडाउन का असल मतलब की है, क्यों प्रशासन वालों ये जिहड़ा इतना वड्डा कदम जिहड़ा वो चक्या गया है कि जिसका कारण आम जनजीवन है वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त होया, क्योंकि साड़ी जिंदगी जिहड़ा साड़ी रूटीन हैगी है वो इन्हां दी वजह नाल ही हैगी है। जिहड़ा कामकाज से लोग जाते हैं या दुकानदार दा काम हैगा वो सब कुछ जिहड़ा बंद कर दिता गया है। तस्वीर तुसीं वेखो, तो ये सैक्टर 27 की तस्वीर जिथे ये लॉकडाउन का काफ़ी ज़्यादा असर जिहड़ा वो देखने को मिल रहा है।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਵੀਗੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਇਹ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਕਟਰ 19 ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੈਕਟਰ 19 ਦਾ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 19 ਦਾ ਮਨਚੰਦਾ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ
हर चीज़ दे विच असी जा रहे हैं। तो ऑनलाइन गैजेट्स अगर कही तो मोबाइल या जो टैबलेट वगैरह के नाल जो भी इक्यूपमेंट्स चाहिए होंगे ने वह सारे इस मार्केट के आसानी नाल मिल जाते हैं। तो ये चंडीगढ़ सैक्टर 18 की इलैक्ट्रॉनिक मार्केट हैगी है जिथे हर किस्म का जो बिजली का या इलैक्ट्रॉनिक का जो समान है वह इत्थे मिलता है। तो इत्थे दूर दूर तो जो लोग हैगे हैं अपनी इक्यूपमेंट्स ठीक कराने भी आते हैं तो इत्थे लैन भी आते हैं। तो अज पूरी तरीके सुनी पई है क्योंकि इत्थे भी जड़ा वो पूरी तरीके इनू बंद रखा गया है। तो एक तस्वीर होर तुहानू दिखावां कि शराब के ठेके लिए भी एक जरूरी खबर शहर वासियों लिए कि इस लॉकडाउन के दौरान जड़ा वीकेंड लॉकडाउन जड़ा लगाया गया उस दौरान शराब के ठेके भी बंद किए गए। तस्वीर तुसी वेखो कि इत्थे बोर्ड बकायदा लगा दिता गया है कल ठेका बंद रहेगा, दो दिन तक ठेका जड़ा शराब का वह बंद रहेगा। शहर के जड़े तमाम जड़े शराब के ठेके हैं उन्होंने भी ये दो दिन जड़ा बंद किया गया है। हालांकि अगर पंजाब की गल करिए पंजाब दे विच जड़ा नाइट करफ्यू लग गया है, उस नाइट करफ्यू के दौरान असी वेख्या थां थां ते कि शराब के ठेके जड़े है वह बंद नहीं किए गए बल्कि बाकी होर सारी मार्केट जड़ी है और ठीक 9 बजे जी प्रशासन वालों बंद करा दी जाती, लेकिन शराब के ठेकों नूं खोलन की पूरी परमिशन होंदी है। लेकिन चंडीगढ़ दे विच शराब के ठेकों नूं लैके भी इको जिहा फैसला वो प्रशासन वालों लिता गया, यानी कि शराब के ठेके भी इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। ये चंडीगढ़ सैक्टर 18 की मार्केट हैगी है जी कि असी तुहानूं लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इत्थे अगर किसी ने कोई लाइट्स लैनी है झूमर लेने हैं वड्डे कोई फैंसी लाइट्स वगैरह लैनी है वो इस मार्केट के आके आसानी लैंदा है। तो इत्थे हर किस्म की जी लाइटा का जड़ा वो मार्केट्स हैगी है। तो ये तस्वीर सैक्टर 18 की हैगी है। हुण तुहानूं लै चलते हैं शहर का दिल कहे जाने वाले चंडीगढ़ के सैक्टर 17 के विच। ये चंडीगढ़ सैक्टर 17 के विच असी हुण एंटर करन जा रहे हैं जिथे तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं असी। ये शहर के सब तो खूबसूरत सैक्टर कहे जाने वाला यानी कि चंडीगढ़ का दिल जिसनों कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल का दिल जिसनों कहा जाता है, सैक्टर 17। इसी सैक्टर 17 के जड़ा ISBT भी हैगा ते तमाम जड़े सरकारी दफ्तर भी है, मार्केट्स हैगी है। खास तौर पर इसनों प्लाजा कहा जाता है, वो प्लाजा जड़ा कि चंडीगढ़ के दिल तो पहचानिया जाता है जिथे हर वेले काफ़ी रौनक रहती है। लेकिन अज इत्थे की हालात ने वो भी अज तुहानू असी विखा रहे हैं कि क्योंकि शहर के वक्री वक्री मार्केट्स का सूरत हाल असी तुहानू विखाया। हुण तुहानू लै चलदे आ चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सैक्टर 17 प्लाजा दे विच। इत्थे दिखाने कि इत्थे किस तरीके का जिहड़ा माहौल हैगा वो इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान देखने मिल रहा है। ये असी हुण सैक्टर 17 प्लाजा की मेन मार्केट के असी एंटर कर चुके हैं। हर वेले इत्थे काफ़ी ज़्यादा रश देखने मिल रहा, खास तौर पर अगर वीकेंड्स की गल करिए क्योंकि सैक्टर 17 प्लाजा नू वीकेंड के तौर पर ज़्यादा पहचाना जाता जड़े कि छुट्टी का दिन, क्योंकि चंडीगढ़ के जड़ा शुक्र जड़ा शनि तो रविवार जड़ी छुट्टी होंगी है सरकारी दफ्तर के इत्थे सब तो ज़्यादा रश देखने मिलता है। चंडीगढ़ का एलांते मॉल या चंडीगढ़ का सैक्टर 17 प्लाजा ये दो थावां ते सब तो ज़्यादा जड़ा रश देखने मिलता है। लेकिन अज तुसी वेख सकते हो ठीक एक साल पहला भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर असी अपने दर्शकों नूं दिखाईआं सी कि किवें सैक्टर 17 पूरी तरीके नाल सुनसान पिया है। तो अज एक बार फिर इस शहर का सब तो खूबसूरत जड़ा सैक्टर जिसनों कहा जाता है, खूबसूरत मार्केट जिसनों कही जाती है, हर वेले इत्थे वड्डी तादाद दे विच जिहड़े लोग है वह घूमते फिरते हैं तो ऐश करते हैं तो अपना जिहड़ा लईआ टाइम बिताने लई इत्थे पहुँचते हैं। लेकिन अज तस्वीर कुछ होर हैगियां, अज तस्वीर सुनसान हैगियां, अज तस्वीर इस दे सुनेपन नूं दर्शा रही हैं कि किवें शहर दे विच पूरी तरीके नाल अज हर चीज़ सुनसान होई पई है। तो ये तस्वीर सैक्टर 17 की हैगी जिथे ना सिर्फ सुनसान बल्कि जड़ा कोई भी इत्थे मूवमेंट देखने नूं नहीं मिल रही है। ठीक एक साल पहला भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर लगातार तुहानूं दैनिक सवेरा दिखाता रहा कि शहर का दिल यानी कि सैक्टर 17 किवें पूरी तरीके नाल सुनसान होया पिया है, पूरी तरीके नाल काम ठप होया पिया। तुहानूं हुण लै चलदे आ शहर की मार्केट के अंदर तो उत्थों का पूरा तुहानूं हाल दिखाने। हुण तुहानूं असी सैक्टर 17 प्लाजा के अंदर लै चलते हैं, इत्थे दिखाने कि जिथे हर वेले काफ़ी रश इत्थे देखने नूं मिलता है। तो अज ये पूरी तरीके नाल सूना हो चुकिया है क्योंकि शहर के विच जिहड़ा वीकेंड करफ्यू लग्या है
उस वीकेंड करफ्यू का अज पहला दिन हैगा ते जो पहले दिन दी तस्वीरां असीं विखा रहे हैं सूरत हाल तुहानू दस रहे हैं कि किवें शहर दे विच पूरी तरीके नाल सूनापन आ चुकिया है। ये सूनापन बहुत घट देखने मिलता है लेकिन पिछले साल जिवें कि लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उस दौरान भी कुछ इसी तरीके का सूनापन देखने मिलता सीगा। तस्वीरां तुसीं वेखो कि इत्थे पुलिस अफसर भी तैनात हैगे ने क्योंकि इत्थे चंडीगढ़ सैक्टर 17 की जिहड़ी नीलम चौंकी भी हैगी है ते इत्थे सिर्फ ते सिर्फ अज मीडिया कर्मी ही नज़र आ रहे ने और कोई लोग नज़र नहीं आ रहे ने आम क्योंकि जनजीवन पूरी तरीके अस्त व्यस्त कर दिता है इस लॉकडाउन की वजह के नाल। आम लोगों का घरों बाहर निकलना अज उस से पूरी तरीके पाबंदी हैगी है। तस्वीर तुम वेखो सैक्टर 17 जिथे दूर दूर तक तुम वेखोगे जिथे हमेशा चहल पहल रही सी अज सिर्फ तो सिर्फ सूनापन नज़र आ रहा है। दुकाना तो लगे हुए व्डे ताले नज़र आ रहे हैं तो ताले अपने आप ही कहानी बयां कर रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीर शायद ही किसी ने कभी एक्सपैक्ट की होनी है। हालांकि जदों कोरोना काल शुरू होया उस दौरान इस चीज़ की शुरुआत हुई सी लेकिन हौली हौली जिहड़ी जिंदगी वो पटरी ते आनी शुरू हुई सबनों लग्या कि हुण सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन एक बार फिर कोरोना ने पूरी तरीके की जिहड़ी दस्तक दित्ती है तो शहर के लगातार जिहड़े कोरोना के मामले वधदे जा रहे ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पूरे देश दे विच यही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि चंडीगढ़ ऐसा पहला यूटी होएगा जिथे सब तो पहला जिहड़ा वीकेंड करफ्यू लगाने का जिहड़ा फैसला प्रशासन वल्लों लिता गया चंडीगढ़ के नाल लगता पंजाब की गल करिए हरियाणा की गल करिए उत्थे हालांकि नाइट करफ्यू जरूर लगाया गया लेकिन इस तरीके का वड्डा फैसला दोनों सरकारों वालों नहीं लिता गया लेकिन चंडीगढ़ के जिस तरीके पी जी आई वालों भेजे गए जिहड़े सैंपल सीगे उन्हां दे विच जिहड़े 70% तो ज़्यादा दे विच यूके स्ट्रेन दे आन दी जिहड़ी है वह पुष्टि हुई तो उस तो बाद प्रशासन काफ़ी जिहड़ा सतर्क होया तो जिस तो बाद इन्ना वड्डा फैसला जिहड़ा लेना पिया है। तुहानू इसी तरीके नाल असीं अग्गे भी शहर के वक्रे वक्रे इलाकों का या इस तो जुड़िया होर खबर दिखाते रहोंगे। देखते रहो तुसीं दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे दे नाल अंकुश महाजन दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।